बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माइक्रेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बच्ची की, 6 मंथ की बच्ची की फैब्रिक, ये नेट फैब्रिक है, इस पर हल्के से मोतियों का काम हुआ हुआ है और ये लास्टिक है, ये पाइपिंग है और ये कमरेला घघरी कटिंग की हुई है, जो कि अक्सर मैं आपको कटिंग कर दिखाती हूँ। और ये प्लेन फैब्रिक है, ये 4 फोल्ड में ये घघरी है, देखें बिल्कुल राउंड शेप में, इसे मैं आपको कटिंग कर दिखाऊंगी। इसकी लेंथ है, अब मैं इस पर निशान लगाऊंगी 8 इंच। ये 7 इंच ये हम 2 हिस्सों में कट कर देंगे। फोल्ड कर लूंगी, मैं 3 इंच पर ऊपर निशान लगाऊंगी। ये लूंगी मैं 5 इंच, से भी कट कर दूंगी। ये ऊपर की घघरी हो गई और ये घघरी, ये दूसरा पीस है, ये मैं इस तरीके से, इसमें हल्की हल्की चुनट आएगी, और ये ऊपर की घघरी हो जाएगी। ये इस तरीके से ये डबल घघरी हो जाएगी और इसमें मैं लगाऊंगी पाइप। इस तरीके से ऐसे रखकर इस तरीके से मैं सारे
ये दोनों घघरियों में, ऊपर भी और नीचे दोनों में ही मैं पाइपिंग लगाऊंगी। अब आपको फ्रॉक की पेटी की कटिंग कर दिखाऊंगी। लेंथ लूंगी 10 इंच, विड्थ लूंगी 8 इंच, शोल्डर लूंगी 5 इंच, नेक आर्म होल लूंगी 5 इंच। नेक लाइन लूंगी 2 इंच, और लेंथ भी 2 इंच ही लूंगी क्योंकि ये मैं फ्रॉक बनाऊंगी स्टेप वाला, बैक पीस से स्टेप 1 इंच के करीब फ्रंट की तरफ आएंगे। दरमियान में एक कट का निशान लगाऊं। ये लाइनिंग सेम इसी तरीके से मैंने लाइनिंग की कटिंग करनी है। हल्की सी इसमें रेवड़ी करूंगी। ये हो गई पेटी की कटिंग। अब मैं बैक पीस की कटिंग करूंगी। ये साइड की 6 इंच है, मैं 6 इंच लेंथ लूंगी और 3 इंच में इलास्टिक में जो फोल्ड होगा लूंगी 9 इंच, 9 इंच विड्थ लूंगी, 9 इंच लेंथ लूंगी। और ये लास्टिक Thank you.
8 इंच प्लास्टिक ले। ये प्लास्टिक इस तरीके से फोल्ड होने के बाद ये मैं साइडों से इस तरीके से यहाँ पर मजबूत कर कर और इस साइड इसी तरीके से ये प्लास्टिक लग जाएगी और फिर ये पेटी में इस तरीके से ये पेटी में लग जाएगी दोनों साइड। अब बैक पीस पर स्टेप लगेंगे जो फोल्ड होकर फ्रंट की तरफ आएंगे। जिसे हम लेंगे शोल्डर की साइज के हिसाब से ये बैक पीस पर इस तरीके से अटैच हो जाएंगे और फिर ये फ्रॉक बहुत खूबसूरत बहुत स्टाइलिश तैयार होगी, यकीनन आपको पसंद आएगा। मैं आपको मुकम्मल तैयार करने के बाद दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर टच करें। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।